अपने दुर्ग प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के नए भवन का लोकार्पण किया। लोकार्पण अवसर पर मुख्यमंत्री से एमएसएमई जिला उद्योग संघ के पदाधिकारियों ने चर्चा कर विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर मुख्यमंत्री ने जिसके शीघ्र निराकरण को लेकर आश्वासन दिया। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के नए भवन के लोकार्पण अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उद्योगपतियों से चर्चा की। एमएसएमई जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष के झा ने एमएसएमई उद्योगों के समक्ष आ रही विभिन्न समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ कुछ सवाल जवाब भी हुए। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया, सभी समस्याओं का समाधान शीघ्र निकाल लिया जाएगा। आइए देखते हैं चर्चा के कुछ खास अंश। इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आज तक कोई मुख्यमंत्री इतना टाइम नहीं दिए, आज तक कोई मुख्यमंत्री टाइम नहीं दिए, ना कोई इस तरह के हम लोग का कभी तवज्जो दिए कि उद्योगपति भी कोई चीज है, और आपने इस चीज को समझा कि रीढ़ का हड्डी कर दी शरीर में कोई है तो उद्योगपति है, उद्योगपति में एमएसएमई है, बहुत बड़ी चीज आप अपने मन से बोल। जी, ऐसा है कि आपको भाषण देने की थोड़ी छूट है, लेकिन आप प्रश्न करिए। जी, थैंक यू। मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से अभी आपने 2 साल में कोरोना काल में हम लोग को बचाए, जिस तरह से समय समय पर मीटिंग लिए और पढ़ाए, उसमें सबसे बड़ी समस्या अभी ये आ गई है एमएसएमई यूनिट के लिए, रेट बेतहाशा बढ़ गया। मैं लोगों से बात कर बोले इसमें मुख्यमंत्री क्या करें, मुख्यमंत्री हमारे वो चीज है, जिस दिन कोरोना काल में यहाँ पर क्या कहते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था, उस दिन मुख्यमंत्री खुले मन से बोले कि हम सिलेंडर भी देंगे और उद्योग भी चलाएंगे। जब ऑक्सीजन सिलेंडर दे करके हमको भी आप जीवित किए, आज रेट के लिए आप कुछ करवाइए, इनके लिए एक मीटिंग करवाइए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो जिससे भी हो, आपके लिए सब कुछ मुमकिन है। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री कोई चीज होती है ये पहली बार पता चला। एक चीज और, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, क्या रहेगी ना जी, प्रश्न ही समझ नहीं आया। प्रश्न ये है कि जो हम 50 रुपया किलो में माल लिए थे, बुकिंग किए थे 6 महीना साल भर 15 दिन जो भी बुक किए थे पहले, वो माल का रेट आज हो गया 100 रुपया किलो। तो यदि हम वो माल सप्लाई करते हैं हम डूब जाते हैं, नहीं सप्लाई करते हैं तो ब्लैक लिस्टेड हो जाते हैं, और उसके अलावा हमारे ऊपर रिकवरी करते हैं कि आपका यूनिट चले या ना चले, हमको आप घर बेच करके हमारा पैसा हमको दीजिए, वो दूसरे यूनिट को दे देगा कहीं बाहरी उद्योग को, और बाहरी उद्योग सप्लाई कर देगा, जो हम 100 रुपया हमारा हो रहा है उसके जगह पर 150। इसमें एक सवाल, 50 रुपये में लिए थे और रेट 100 रुपया हो गया जी, है ना। तो जैसे पेट्रोल पंप वाले कल यदि कल पेट्रोल टंकी पूरा फुल करा दिए और आज रेट बढ़ गया, तो पेट्रोल टंकी वाले को फायदा होता है, होता है। तो आपको क्यों घाटा हो रहा है? हम तो 50 रुपए में रॉ मटेरियल लिए हैं, आज कीमत घाटा क्यों हो रहा है? सर लिए नहीं थे हम, उस समय टेंडर लिए थे। अच्छा, टेंडर लिए थे। ओ जी जी, 50 रुपए टेंडर लिए। अब इसमें तो फिर आप संगठन के माध्यम से जिससे आप कर रहे हैं जैसे नेगोशिएट करना चाहिए। ऑक्सीजन सिलेंडर में जिस तरह से आपने पत्र लिख करके सेंट्रल गवर्नमेंट पर दबाव डाला था, वही फिर करना, इसमें आपको नेगोशिएट करना चाहिए। एक प्रश्न और, अनुमति दे, सारे सवाल आप कर लेंगे। एक ये है कि बैंक जो है एनपीए की बात आपने किया, अभी क्या हो गया कि जो एमएसएमई यूनिट है उसके सामने ये समस्या होगी कि सप्लाई करता है तो मर जाता है, नहीं सप्लाई करता ब्लैकलिस्टेड हो जाता है, और उसको टर्नओवर चाहिए, यानी 1 to 5 मैंने 1 लाख रुपया यदि हम लोन लिए तो 5 लाख का टर्नओवर चाहिए। हम टर्नओवर कर नहीं रहे हैं, हमारी लिमिट को कम करेंगे, यदि हमारी लिमिट को कम करेंगे हम इंडस्ट्री चलाने लायक नहीं रहेंगे, हमारी यूनिट को एंड नहीं करेंगे। इसलिए आपके अधीन में यहाँ पर RBI है, उसके साथ मेरे अधीन RBI है, स्टेट में है, सब चीज है। एक बार आप बैंक के साथ यदि अपने अधिकारी से बैठक करवा दें। थैंक यू सर। लेकिन ऑक्सीजन वाले याद रखे, अच्छी बात है। मैं प्रधानमंत्री बोला था मेरे उद्योग बंद हो जाएंगे, मुझे ऑक्सीजन दो, मैं देश को भी दे रहा हूँ, लेकिन मेरे उद्योग को भी मिलना चाहिए। बहुत लोग विरोध किए, लेकिन सर एक चीज और याद है, जब आपने मुख्यमंत्री बना था पहला घोषणा किए थे कि जेल को समाप्त करके हम CSRTC खुला बहाल करेंगे,
सब उद्योगपति बिलासपुर भाषे थे, मेरे रिक्वेस्ट पर अपने थे। आज तक सीएसआईडीसी चालू कराए, जेब अपने जगह पर है। सीएसआईडीसी चल रहा है, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। थैंक यू। एमएसएमई जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष के झा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से हुए संवाद और एमएसएमई से जुड़ी समस्याओं की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताया है। चर्चा ये था कि चूंकि वो मुख्यमंत्री जी आए हुए थे यहाँ पर जिला व्यापार उद्योग केंद्र का उद्घाटन करने के लिए नए बिल्डिंग का, तो उसमें चर्चा रखे ही थे, तो उसी में उनसे क्या कहते हैं ज्ञापन के साथ चर्चा मैंने किया कि एमएसएमई जो है, एमएसएमई में प्रदेश के मुखिया आज हमारे पास आए हुए हैं और उसमें इस तरह के मुखिया है जो किसी भी काम को आश्वासन नहीं देते हैं, वो करवाने की कोशिश करते हैं और करवा भी देते हैं। मैंने अभी तक का जो मतलब उनका ये हिस्ट्री रहा हुआ है, करवाते हैं काम। इसलिए मैं कल उनसे आग्रह किया कि यहाँ पर जो एमएसएमई का जो भी इकाई है पूरे छत्तीसगढ़ में, भिलाई की बात केवल नहीं कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में जो एमएसएमई की इकाई है उनको पीएसयू में सार्वजनिक संस्थान जो है, बड़े बड़े सेक्टर जो है वहाँ पर उनको कम से कम जितने भी उनकी खरीददारी होती है उसमें 25% एमएसएमई उद्योग को ऑर्डर मिलना चाहिए। और दूसरी बात, जो पेमेंट बाहर के प्रदेश के बाहर इकाई रख लेते हैं वो देते नहीं है, 30 दिन 35 दिन जैसे देना चाहिए, नहीं दे करके 3-3 महीना 4-4 महीना 6-6 महीना कितने केस ऐसे है, 3-3 साल हो गया है। तो उसके लिए हमारे यहाँ एक छत्तीसगढ़ फैसिलिटेशन काउंसिल है, तो इंडस्ट्रीज फैसिलिटेशन काउंसिल है, उसके माध्यम से हम ये भी आग्रह किया है कि उनको उस इकाई पर सख्त कार्रवाई हो और किसी प्रावधान के तहत उन पर ऐसी कार्रवाई वैधानिक होना चाहिए कि वो एमएसएमई इकाई को तंग ना करे और नियमानुसार जो हमारा धारा के अंतर्गत पैसा मिलना चाहिए, जो प्रावधान दिए हुए हैं एमएसएमई, वो प्रावधान के तहत हमको पैसा दे दे। तीसरी बात हमारी ये है कि आज जो हम 3 महीना पहले टेंडर कोट किए थे, चाहे वो भिलाई स्टील प्लांट हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे जहाँ भी हो, वो सब जगह या बाहर में साउथ में शुगर मिल में या जितने भी प्लांट है उस सब में। इस अवसर पर के झा के साथ संघ के महासचिव अंकित मेहता, पदम कोठारी, श्री भगवान अग्रवाल, अरविंदर सिंह खुराना, नरसिंह कुकरेजा, मोहम्मद अली कामदा, प्रिंस कबरवाल सहित अन्य उद्योगपति उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।